हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस दिन महिलाओं द्वारा सप्त ऋषि का आशीर्वाद पाने के लिए सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत हर साल गणेश चतुर्थी के अगले दिन रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत महिलाओं के लिए अटल सौभाग्य प्राप्त करने वाला व्रत माना गया है। साथ ही यह व्रत जाने अनजाने हुई गलतियों और भूल से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास होता है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के ऋषि पंचमी व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। साथ में मैं आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा भी इसी वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज के दो दिन बाद गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद ऋषि पंचमी मनाई जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी कोई त्यौहार नहीं है। इस दिन किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार ऋषि पंचमी 11 सितंबर को है। ये व्रत महिलाओं के लिए अटल सौभाग्यवती व्रत माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्ति हो जाती है। माना जाता है कि अगर महिलाएं ऋषि पंचमी के व्रत के दौरान गंगा स्नान कर लें तो उनका फल कई सौ गुना बढ़ जाता है। कहते हैं अगर ऋषि पंचमी के व्रत को पूरी श्रद्धा के अनुसार किया जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत किया जाता है, ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत कथा पढ़ी जाती है। व्रत कथा पढ़े बगैर व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए व्रत कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। साथ में आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं साल 2021 की ऋषि पंचमी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में ऋषि पंचमी का व्रत 11 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। ऋषि पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 11 सितंबर प्रातःकाल 11:03 से शाम के 1:32 तक। पूजा की कुल अवधि होगी 2:29 की। पंचमी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर रात्रि के 9:57 पर, यानी कि पंचमी तिथि शुरू होगी 10 सितंबर की रात्रि के 9:57 पर और पंचमी तिथि समाप्त होगी 11 सितंबर रात्रि के 7:37 पर। आइए अब जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत शुद्ध मन से ही करने पर व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और महिलाओं को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं को प्रातःकाल स्नान करके सप्त ऋषि की प्रतिमा बनाकर पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत से सप्त ऋषियों की पूजा करें। अब धूप दीप जलाकर फल का भोग लगाएं और संभव हो तो इस दिन महिलाएं अनाज का सेवन ना करें, फलाहार करें। इस व्रत में विधि विधान से सप्त ऋषियों की पूजा के बाद ऋषि पंचमी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में उद्यापन करने के बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करा करके व्रत संपन्न करें।
आइए जानते हैं ऋषि पंचमी का महत्व। ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विशेषकर ऋषि पंचमी का व्रत स्त्रियों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी दुख दूर होकर उन्हें सुख समृद्धि और अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखें और सप्तऋषि से आशीर्वाद लें, और सप्तऋषि के आशीर्वाद से मन चाहा फल प्राप्त होता है। तो व्रत जरूर रखें। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। साथ ही अविवाहित महिलाओं के लिए भी यह व्रत बेहद बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आइए अब जानते हैं ऋषि पंचमी के उपाय। दोस्तों, ऋषि पंचमी के दिन उपाय के रूप में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और गणपति जी को 11 साबुत हरी इलायची अर्पित करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले फलों का भोग लगाएं। यानी कि ऋषि पंचमी में पीले रंग का महत्व होता है, तो पीले रंग के वस्त्र पहने पीले फलों का भोग लगाएं और एक दीपक जलाएं, उनके सप्तऋषियों के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फलों का भोग लगाएं। इस छोटे से दिव्य उपाय से न सिर्फ जीवन में शुभता बढ़ती है, बल्कि भगवान गणेश जी और सप्तऋषियों के आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भी ऋषि पंचमी के दिन व्रत करके ये उपाय करते हैं, छोटा सा उपाय है जो मैंने अभी बताया है, इस उपाय से सभी तरह के दुख दूर होते हैं, सुख वैभव और धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार एक उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी, दोनों ही विवाह के योग्य थे। पुत्री का विवाह उत्तक ब्राह्मण ने सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी पुत्री मायके वापस आ गई। एक दिन विधवा पुत्री अकेले सो रही थी, तभी उसकी माँ ने देखा कि पुत्री के शरीर पर कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी पुत्री का ऐसा हाल देखकर उत्तक की पत्नी व्यथित हो गई। वह अपनी पुत्री को पति उत्तक के पास ले गई, वहाँ अपने पति उत्तक के पास लेकर आई और बेटी की ऐसी हालत दिखाते हुए बोली कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी बेटी की ये गति कैसे हुई? उत्तक ब्राह्मण ने ध्यान लगाने के बाद देखा कि पूर्व जन्म में उसकी पुत्री ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन रजस्वला के दौरान उसने पूजा के बर्तन छू लिए थे और इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था। इस वजह से उसे इस जन्म में शरीर पर उसके कीड़े पड़े थे। फिर पिता के बताए अनुसार पुत्री ने इस जन्म में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया और इस व्रत को करने से उत्तक की बेटी को अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। दोस्तों, ऋषि पंचमी की पूजा के दौरान आप व्रत तो करते ही हैं, आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि व्रत के दिन जितना हो सके उतना भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो ऐसे में आप ऋषि मुनियों के मंत्र का जाप करें, ध्यान करें और अपने पापों से इस तरह से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ऋषि पंचमी की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ दोस्तों, लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए आप अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर
इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर मैं आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हर तीज त्यौहार की, एकादशी, पूर्णमासी, हर त्यौहार की मैं संपूर्ण जानकारी बताती हूँ, व्रत कथा, उपाय और साथ में वास्तुशास्त्र से जुड़ी जानकारियाँ भी आपको इस चैनल पर दी जाती हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए और मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। गणपति बप्पा मौर्या।